हनम थोड़ा सा सूख भी हो, मैं कब से कुछ नहीं खाया हो। तेरी जान, कुछ तो खा लो, ऐसे कैसे चलेगा? क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? अम्मी, सड़क से पानी नहीं उतर रहा, मैं क्या खाऊं? तुम कैसे हर वक्त मुस्कुराती और चहकती रहती थी, कैसे मुरझा कर रह गई? सनम मेरे बच्चे, तुमने भी बहुत गलतियां की, बहुत गलती। अम्मी, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जुनैद की माँ की बदवा लग गई है ऐसे। याद है उसने शादी का सुन के कितनी बदवाएं दी थी? क्या वो सच में मुझे बद्दुआएं देके गई थी? मेरे बच्चे, उस वक्त तो मेरा दिल भी बहुत डर गया था, और उसके जवान बेटे ने खुदकुशी करने की कोशिश। दिल तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है, और तुमने सभी का दिल भी तोड़ा, और ना जाने क्या कुछ। अल्लाह की पकड़ बहुत शदीद होती, सालों के गुनाहों की सजा एक लम्हे में ही दे देता है। सभी आज भी जब तुम्हारे चेहरे की तरफ देखते हैं ना, तो उनकी आंखों में हजारों शिकवे और दुख नजर आते हैं। तुम उसको छोड़ो, मुझे सालम की फ्रेंड हो ना? हाँ, मैं उसकी बहन फैलो हूँ। तो तुम्हें पता चला सनम के हस्बैंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है? क्या हुआ? सभी भाई। हाँ रजी, आ रहा हूँ। मैं जरा जा रहा हूँ बाहर अपने दोस्तों के साथ, तो प्लीज मामा को नहीं बताएगा, ओके? और थोड़े से पैसे चाहिए थे। पहली बात तो ये कि भैया जान को बताना अगर कहीं मिला। दूसरी बात, ये ले लो। थैंक यू। जाओ, मैं बस आता हूँ थोड़ी देर में, ओके? गाड़ी ध्यान से चलाना। भाई, जिस लड़की ने आपको धोखा दिया है, क्या वो सनम है? भाई, सनम पे बिल्कुल भरोसा मत करिएगा। सनम ने ऐसा क्या किया कि रजी दुनिया से ही चला गया? उसने मेरे साथ तो दुर्लगी की, मगर रजी के साथ? रजी की मौत सनम की वजह से हुई। सनम, तुमने मेरे साथ जो बेवफाई की वो की, मैं उसके लिए तुम्हें माफ कर सकता हूं, मगर रजी की मौत के लिए, उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा।
उसमें कभी भरोसा मत करिएगा। जान के तेरे खताए हुए तुझको एहसास भी न हुआ, तूने सोचा भी ना ये कभी कोई तन्हा ही मर जाएगा, तूने सोचा भी ये ना कभी कोई तन्हा ही मर जाएगा। ऐसे हंसते हंसते रोने के जमाने आए, जीना तो ना आया मरने के बहाने।